नमस्कार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के अंतर्गत फुटबॉल स्पर्धा के बॉयज वर्ग में आज ग्रुप ए का दूसरा मुकाबला आपसे थोड़ी देर बाद संत, संत बाबा भागसिंग यूनिवर्सिटी जलंधर पंजाब की टीमों के बीच और एडमास यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल की टीमों के बीच गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ग्राउंड पर शुरू होने वाला है और इस समय दोनों टीमें बीच मैदान पर कतारबद्ध एक दूसरे औपचारिक जो हैंडशेक होता है वो होते हुए और बीच मैदान पर आज के मैच के निर्णायक अजय सिंह फर्स्ट असिस्टेंट रेफरी के रूप में अमन सुदल और दूसरे असिस्टेंट रेफरी के रूप में आज हैं निखिल शर्मा जबकि प्रेम नजेरी फोर्थ रेफरी के रूप में आज मैदान पर नजर आएंगे धूप खिली हुई है आज का जो पहला मुकाबला हुआ जैसा कि मैंने कहा कि फुटबॉल की स्पर्धाएं आज से ही शुरू हुई हैं हालांकि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्पर्धाओं की शुरुआत कल से ही हो गई थी गौतम बुद्ध नगर में कबड्डी की स्पर्धाओं के साथ लेकिन आज न केवल कबड्डी बल्कि साथ ही साथ वॉलीबॉल फुटबॉल बास्केटबॉल टेनिस टेबल टेनिस और मलखम की स्पर्धाएं भी खेली जा रही हैं इन खेलों के अंतर्गत हालांकि इसकी औपचारिक और विधिवत शुरुआत कल से होगी लेकिन फिलहाल खेल होने की तैयारी शुरू हो चुकी है जहां तक दोनों टीमों का प्रश्न है तो बता दूं कि संत बाबा सिंह यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब की टीम के गोल रक्षक हैं नवीन इसके अलावा जो अन्य खिलाड़ी हैं जुगल महेश निमरत पाल सिंह भूपेंद्र निर्मल सिंह बिष्ट आकाशदीप कार्तिक बिष्ट, बलकार टीम के कप्तान उमेश और मोहम्मद जो कि अपनी टीम के लिए संतोष ट्रॉफी भी खेल चुके हैं टॉस इस समय होता हुआ और टॉस जीता है वहां पर पंजाब संत बाबा सिंह संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी के कप्तान ने बलकार ने टॉस जीता तो निश्चित रूप से एक कड़े मुकाबले की उम्मीद यहां पर होगी आज सुबह जो ग्रुप ए का पहला मुकाबला खेला गया था उसमें पिछले संस्करण की स्वर्ण पदक विजेता टीम महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को एटम केरल की टीम ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम को दो एक से पराजित किया था किक ऑफ के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं कि ऑफ़ करने के लिए तैयार हैं वहाँ पर एडामास यूनिवर्सिटी कोलकाता के खिलाड़ी राहुल कुमार पासवान टीम के कप्तान रेफरी के इशारे का इंतज़ार करते हुए जो कि आज के अजय सिंह हैं अजय सिंह की लंबी सीटी और उसके साथ ही शुरुआत हुई बैकपास के साथ राइट सेंट्रल डिफेंडर के पास गेंद एरियल थ्रू पास लेकिन उसका कोई लाभ नहीं आसानी के साथ सुरक्षा पंक्ति संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने गेंद को क्लियर कर दिया इसी बीच वहां पर फाउल और यह इनडायरेक्ट फ्री किक इस समय एडमास यूनिवर्सिटी कोलकाता की टीम के लिए बलराम के पास गेंद बैक पास के रूप में गोल रक्षक के लिए गेंद को निकाला था और दत्ता के लिए एक बार फिर से गेंद पहुंची है बलराम के लिए मैदान के बीचों बीच गेंद को अपने कब्जे में किए हुए समय राहुल कुमार पासवान लेकिन गलत पास उनका अच्छा इंटरसेप्शन अच्छा थ्रू पास लेकिन गेंद को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाए बलकार प्रत्याक्रमण पर इस समय एडमास की टीम लाल रंग की जर्सियों में आक्रमण खतरा हो सकता है और गोल की तरफ हल्के से गेंद को खिसकाया था लेकिन एन समय पर वहां पर गेंद को गोल में जाने से रोका चार नंबर की जर्सी में महेश ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के ग्रुप ए के अंतर्गत यह मुकाबला इस समय बॉयज सेक्शन में खेला जाता हुआ लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ग्राउंड पर और पहले हाफ़ का करीब करीब यहाँ पर आठ या नौ मिनट का समय हो चुका है और ऐसे में यहाँ पर लगातार जो इस समय है दोनों ही टीमें एक दूसरे को तौलने की कोशिश कर रही हैं आक्रमण में अभी वो पैनापन नज़र नहीं आया है जिसके लिए दोनों टीमें जानी जाती हैं दाई तरफ वाले हिस्से में गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश अच्छा टर्न वहाँ पर राहुल कुमार पासवान का टीम के कप्तान गेंद को निकाला अपने साथी खिलाड़ी गौरव दास के लिए फ्लैंक बदलते हुए बाई तरफ से आगे निकलने की कोशिश लेकिन बहुत ही बढ़िया स्लाइडिंग इंटरसेप्शन समाज पास के रूप में गेंद को निकाल दिया है निर्मल सिंह बिस्ट के लिए निर्मल सिंह बिस्ट अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखते हुए लंबा तिरछा एरियल पास दाएं फ्लैंक की तरफ लंबा ऊंचा लॉब लेकिन सीधा गोल रक्षक अरिंद दत्ता के हाथों में कोई भी खिलाड़ी वहां पर संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी का आसपास नहीं था बीच बीच में एरियल पास देकर आगे बढ़ने की कोशिश है पंजाब की टीम के खिलाड़ियों की अच्छी गेंद वहां पर निकालने की कोशिश हुई थी इस बार निमरत पाल सिंह के द्वारा लेकिन गोल रक्षक गेंद को अपने कब्जे में किए हुए लंबा तिरछा शॉट लेकिन हेड द्वारा क्लियर करने में एक बार फिर से कामयाब कार्तिक बिष्ट वहाँ पर गेंद को संभाले हुए इस समय निर्मल सिंह बिष्ट निर्मल सिंह बिष्ट गलत पूर्वानुमान के साथ इस पास को निकाल बैठे अपने साथी खिलाड़ी के लिए उनको उम्मीद थी कि लेफ्ट विंगर जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे उमेश और गेंद को अपने कब्जे कर में करेंगे और उस पूर्वानुमान में उन्होंने उस पास को निकाला था जो कि अंततः गोल रेखा को पार कर गया और इस तरह से यह गोल किक इस समय एडमास यूनिवर्सिटी की टीम के लिए एडमास यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से कुछ एक अच्छे आक्रमण हुए हैं खासतौर से दाएं फ्लैंक में अब तक टच रेखा के बिल्कुल नजदीक संभाले हुए उमेश एक लंबा क्रॉस हवा में तैरता हुआ दूसरे वाले छोर पर गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हुए गेंद को क्लियर किया गया लंबा थ्रू पास लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पर आसपास नहीं है और आसानी के साथ नवीन जो कि गोल रक्षक हैं गोल गेंद तक पहुंच जाएंगे और अंततः गेंद को लगभग शेड्यू करते हुए उन्होंने गेंद को गोल रेखा से बाहर जाने दिया और इस तरह से ये गोल किक इस समय संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम के लिए और आज अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं देखना है कि उनके नेतृत्व में क्या उनकी टीम यहां पर फतेह हासिल कर पाती है संत बाबा सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम के ऊपर या फिर नहीं लंबा शॉट सीधा पहुंचता हुआ एडमास यूनिवर्सिटी के हाफ में अभी भी खिलाड़ी अपने कब्जे में किए हुए पास के रूप में गेंद को पहुंचा दिया है अरिंदु दत्ता के पास अरदू दत्ता का लंबा शॉट मध्य रेखा के नजदीक हेड द्वारा गेंद को क्लियर किया बहुत ही सफाई के साथ कार्तिक बेस्ट बढ़िया सुरक्षा पंक्ति में अब तक प्रदर्शन उनका रहा है एक बार फिर से गेंद को क्लियर किया था गेंद को संभाला वहां पर उमेश ने बाई तरफ बैक बैकिल पास गेंद को संभाला है वहां पर निर्मल सिंह बिस्ट ने निर्मल सिंह बिस्ट ने गेंद को दे दिया है निमरत पाल सिंह को और निमरत पाल सिंह इनको लेकर आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन इसी बीच वहाँ पर ये फाउल और फ्रेक इस समय संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम के लिए आक्रमण और प्रत्याक्रमण का सिलसिला ज़रूर देखने को मिला है लेकिन अपने प्रयासों को गोल में तब्दील करने में अभी तक कोई भी टीम कामयाब नहीं हुई है इस समय मोहम्मद तैयार वहां पर अठारह नंबर की जर्सी में सामने तीन खिलाड़ियों की छोटी सी दीवार और एक राइट फुटर ग्राउंडर लगाकर बिल्कुल नियर पोस्ट की तरफ ये निशाना साधा था जो कि अपने दिशा से काफ़ी दूर था और उसका कोई लाभ निश्चित रूप से उनको नहीं मिलने वाला था गोल किक के लिए गेंद को रखा गोल किक के बाद गेंद को बढ़ा दिया समय लेफ्ट फुट बैक के स्थान पर आए हुए खिलाड़ी के लिए हेड के द्वारा गेंद क्लियर एक बार फिर से गेंद है वहाँ पर निमृत पाल सिंह के पास जो कि मध्य पंक्ति में खेलते हैं दोनों ही टीमें चार तीन तीन की शैली से खेल रही हैं गेंद को संभाला आशित हेम्ब्रम ने बाई तरफ वाले हिस्से में गेंद को निकाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए आर्यन रहमान इस समय गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए पेनल्टी बॉक्स के अंदर प्रवेश करने की कोशिश शॉट वहां पर लेकिन गेंद को एक बार फिर से लेफ्ट सेंट्रल डिफेंडर ने आसानी के साथ क्लियर कर दिया प्रत्याक्रमण गेंद को लेकर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश इस समय बलकार के द्वारा जो कि टीम के कप्तान हैं लेकिन नियंत्रण नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा देर तक लेकिन इस बीच थ्रोइंग ज़रूर मिल चुका है दूर वाले छोर पर अच्छा एरियल क्रॉस गेंद को अपने कब्जे में किए हुए उमेश अपने साथी खिलाड़ी को देखा कार्तिक बिष्ट के लिए गेंद को बढ़ाया लेकिन गलत पास वहाँ पर पेनल्टी बॉक्स के अंदर छोटे छोटे पास देकर उस समय आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए कई मरतबा इस तरह के छोटे पास पेनल्टी बॉक्स के आसपास आत्मघाती भी साबित होते हैं निमरत पाल सिंह के पास एक बार फिर से गेंद फ्रैंक बदलने की कोशिश की थी लेकिन लेफ्ट पे मौजूद खिलाड़ी ने आसानी के साथ गेंद को क्लियर कर दिया मोहम्मद इस्माइल ने बाई तरफ से गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास वहाँ पर आर्यन रहमान के द्वारा एक अच्छा पास वहां पर सटीक पास देवाजीत के पास दाई तरफ पेनल्टी के बॉक्स के अंदर प्रवेश और बहुत बढ़िया कोशिश वहां पर और हेडर के द्वारा इस बार गोल करने में कामयाब रहे अंततः पहले प्रयास में कामयाब नहीं हुए थे लेकिन दूसरे प्रयास में नहीं चूके अमान मुंशी इस अवसर पर और जो लगातार प्रयास हो रहे थे एडमास यूनिवर्सिटी कोलकाता की टीम की तरफ से अंततः वो कामयाबी यहाँ पर उन्हें मिलती हुई गोल करने में और कहना होगा कि जो एक मूव बना था बहुत तेज़ी के साथ देवजित ने गेंद को संभाला था पेनल्टी बॉक्स के दाइन तरफ अच्छा क्रॉस लगाया था उसके बाद पहले प्रयास में गोल नहीं हुआ लेकिन जैसे ही गेंद रिबाउंड होकर वापस मिली वहाँ पर अमन जोश मुंशी को उन्होंने कोई गलती नहीं की एक सटीक हेड लगाकर उन्होंने गेंद को गोल में परिवर्तित कर दिया खेल एक बार फिर से शुरू होता हुआ एक गोल से समय पिछड़ी हुई संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम उनके कोच मंजीत सिंह और अजय सिंह दोनों ही समय अपने खिलाड़ियों को निर्देश देते हुए कि संयम और धैर्य के साथ खेलें तालमेल के साथ खेलें एक गोल की बढ़त को कभी भी बराबरी पर किया जा सकता है ये बात एडमास यूनिवर्सिटी की टीम के प्रशिक्षक भी जानते हैं इस वन। गोल इस 16, अमान मुंची। आर वन। एक बार फिर से दाई तरफ से देवजीत के पास केंद्र जिन्होंने पहले गोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपने राइट फुटर क्रॉस से लेकिन इस बार फिर से उनका प्रयास जरूर हुआ लेकिन प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के शरीर से लगती हुई गेंद बाहर चली गई और वहाँ पर चोटी भी हुए हैं इस समय संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम के खिलाड़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के बॉयज सेक्शन के अंतर्गत फ्रिक के बाद एक लंबा शॉट पेनल्टी बॉक्स के अंदर क्या उसका कोई लाभ उठा पाएंगे कश्मकश अभी भी जारी है लेकिन तारीफ करनी होगी सुरक्षा पंक्ति की गेंद को उन्होंने बहुत आसानी के साथ न केवल छीना बल्कि क्लियर भी कर दिया बाईं तरफ से आक्रमण बनाने का प्रयास देवाजीत के पास क्रॉस वहां पर लेकिन क्या वो उस तक पहुंच पाएंगे जी नहीं जी हाँ पहुंच गए क्षण के लिए लगा था कि शायद गेंद टच रेखा से पार चली जाएगी लेकिन काफ़ी तेज़ तरार खिलाड़ी हैं गेंद को अपने कब्जे में किया बैक पास के रूप में गेंद को निकाल दिया राकेश माझी के लिए राकेश माझी ने वहां पर पेनल्टी बॉक्स के ऊपर गेंद को चिप किया लेकिन सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने गेंद को क्लियर कर दिया आसानी के साथ और गेंद एक बार फिर से हमारे नजदीक वाले छोर से बाहर निकलती हुई सिटी इस बात का इशारा करती हुई कि अब थ्रोइंग लिया जा सकता है एक बार फिर से बिश्ट के पास गेंद अच्छा पास वहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी निर्मल सिंह बिश्ट के लिए गेंद को बैक पास तिरछा बैक पास वहाँ पर निकाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए एक लंबा रोंग लॉन्ग रेंजर वहाँ पर मोहम्मद के द्वारा जिसका निश्चित रूप से कोई लाभ नहीं मिलने वाला था छोटे छोटे पास देकर यदि आप आगे बढ़ते हैं अपने फ्लैंक्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर अवसर साबित हो सकते हैं और इसका इस्तेमाल फिलहाल संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी की टीम करती हुई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है जबकि उसके उलट एडमास यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से फ्लैंक से जो आक्रमण हुए हैं ख़ासतौर से दाई तरफ वाले हिस्से से वो ज़्यादा बेहतर और सटीक रहे हैं प्रत्याक्रमण पर इस समय एक बार फिर से संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी की टीम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है जैसा कि आप जानते हैं और चार शहरों में अलग अलग शहरों में इसका आयोजन हो रहा है लखनऊ के अलावा वाराणसी गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है जबकि दाई तरफ से एक बार फिर से वहां पर कोशिश ग्राउंडर क्रॉस और वहां पर बढ़िया ऑन द रन राइट फुटर लगाया था इस अवसर पर उमेश ने लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से गेंद निकल गए इस बार थोड़ा सा नीचे होता तो यकीन बराबरी का गोल इस अवसर पर उमेश करने में कामयाब हो सकते थे एक बढ़िया मूव निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए एक लंबे अंतराल के बाद देखने को मिला संत बाबा सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम की तरफ से इस समय फ्लैग किक का अवसर देखने हैं कि क्या इस फ्लैग किक पर बराबरी का गोल करने पाने में कामयाबी हासिल करेंगे उमेश के पास गेंद उमेश ने गेंद को दे दिया मोहम्मद के लिए मोहम्मद का वहाँ पर एरियल ट्रॉस लेकिन गेंद को लेफ्ट फुटर लगाकर गोल मुख की तरफ बढ़ाया जरूर था लेकिन निशाने से काफ़ी ज़्यादा दूर था और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं वहाँ पर गोल रक्षक और दत्ता के लिए पैदा की उन्होंने राहुल कुमार पासवान टीम के कप्तान बैक पास के रूप में गेंद को निकाला हेम्ब्रम के लिए दाई तरफ से गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश वहां पर 16 नंबर की जर्सी में अमान मुंशी के द्वारा जिन्होंने हेडर द्वारा पहला गोल किया था अपनी टीम के लिए लेकिन इसी बीच गेंद वहां पर बाहर निकलती हुई गोल रेखा के और फ्लैग किक का अवसर एडमास यूनिवर्सिटी की टीम के लिए देवाजित तैयार हैं इस फ्लैगकिप को लेने के लिए एक शून्य के इस समय है एडमास यूनिवर्सिटी की टीम के पास हेड द्वारा गेंद को क्लियर किया और इसके साथ ही रेफरी अजय सिंह की लंबी सीटी इस बात का इशारा करते हुए कि पहले हाफ का खेल समाप्त हो चुका है और पहले हाफ के खेल की समाप्ति तक एडमास यूनिवर्सिटी कोलकाता की टीम संत बाबा सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम के खिलाफ एक गोल की बढ़त बनाए हुए हैं एक शून्य से वो आगे हैं मध्यांतर तक के खेल तक मध्यांतर के बाद का खेल शुरू होता हुआ निर्मल के पास गेंद पहला अटैक संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम की तरफ से होता हुआ मध्यांतर के बाद लेकिन उसका कोई लाभ नहीं एडमास यूनिवर्सिटी की टीम को एक शून्य की बढ़त हासिल है दाई तरफ से गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए राहुल कुमार पासवान अच्छा थ्रू पास वहाँ पर डाउन द लाइन गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए इस समय एडमास यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी गेंद को एक बार फिर से अपने साथी खिलाड़ी की तरफ निकाला और पेनल्टी बॉक्स के ऊपर गेंद को वहाँ पर चिप करने की कोशिश लेकिन अपने प्रयास में बहुत ज़्यादा सफल नहीं गेंद को वहाँ पर आसानी के साथ निमरत पाल सिंह ने क्लियर कर दिया दूर वाले छोर पर इस समय थ्रोइंग का अवसर संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी की टीम के लिए आज ग्रुप ए में दो मुकाबले हुए दूसरा मुकाबला इस समय खेला जा रहा है संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब और एडमर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता की टीमों के बीच जबकि आज सुबह का जो मुकाबला था वो ग्रुप ए में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोएट्टम केरल की टीमों के बीच में था और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोयटम केरल की टीम जो कि पिछले संस्करण की स्वर्ण पदक विजेता है उन्होंने जीत का जो अभियान था उसके साथ शुरुआत की इस तीसरे संस्करण में फुटबॉल के अपने कंपटीशन की और दो एक से उन्होंने पराजित किया था आज सुबह के उस मुकाबले में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की टीम को देखना है कि टीम के कप्तान बलकार क्या कुछ कर पाते हैं साथ में गेंद छीनने की कोशिश होती हुई वहाँ पर लेकिन गलत बैक पास और कहना होगा कि इस तरह की चूक जो है अगर आपके पासिस सही नहीं है तो आप कितना ही बेहतर मूव क्यों ना बना लें वो कहीं ना कहीं आपके लिए फलीभूत नहीं होगा फिलहाल बीच मैदान पर ये फाउल और फ्री किक इस समय मिलता हुआ एडामास यूनिवर्सिटी की टीम को मध्य रेखा के बिल्कुल नज़दीक एडामास यूनिवर्सिटी की टीम एक शून्य के बढ़त फिलहाल हासिल किए हुए कल इस स्पर्धा में ग्रुप बी के दो मुकाबले खेले जाएंगे इसी मैदान पर लखनऊ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के इस खूबसूरत मैदान पर आज ग्रुप ए के दो मुकाबले कल ग्रुप बी के दो मुकाबले होंगे पहला मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा और पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब की टीमों के बीच में होगा लंबा केक एडमास के खिलाड़ियों द्वारा लेकिन जिस तरीके से वहां पर गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई थी उसे सही नहीं माना गया जैसा कि आप जानते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उन आठ टीमों को शामिल किया गया है जो कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का श्रेय हासिल कर पाई थी दो ग्रुपों में चार चार टीमों को बांटा गया है और कुल मिलाकर बारह ग्रुप मुकाबले बॉयज़ वर्ग में खेले जाएंगे और इसी तरीके से गर्ल्स वर्ग में भी बारह मुकाबले होंगे तरफ से आक्रमण पेनल्टी बॉक्स के अंदर गेंद को संभाले हुए इस समय भूपेंद्र भूपेंद्र की कोशिश वहां पर क्या भूपेंद्र पास देंगे अपने साथी खिलाड़ी को लेकिन वहां पर जैसे ही गेंद मिली थी नमरत पाल सिंह को गेंद पर ठीक तरह से नियंत्रण नहीं कर पाए और अपना संतुलन खोया और साथ ही साथ वहां पर चेतावनी भी हासिल करते हुए आज के मैच रेफरी अजय सिंह से जिस तरह से उन्होंने उस गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई थी परिणाम स्वरूप इस समय यह गोल किक एडमास यूनिवर्सिटी की टीम के लिए अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान देखने के साथ ही तैयार लगभग आठ मिनट हो चुके हैं दूसरे हाफ के खेल में लंबा किक संत बाबा सिंह यूनिवर्सिटी के हाफ में और उसी तरीके का कमोबेश एक शॉट लगाकर गेंद को पहुंचा दिया गोल रेखा से बाहर गोल किक के लिए गेंद एक बार फिर से रख रहे हैं अरेंदू दत्ता दत्ता ने आज एक दो अवसरों पर अच्छे पूर्वानुमान का प्रदर्शन किया काफी चपल तेज गोल रक्षक लेकिन फिलहाल उनकी मांसपेशियों में खिंचाव दाएं पांव की मांसपेशियों में खेल एक बार फिर से कुछ क्षणों के लिए रुकता हुआ गोल रक्षक अरलिंदू दत्ता तैयार अब लंबा शॉट लगाया गोल किक के, के रूप में हेड द्वारा गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश गेंद को संभाला वहां पर भूपेंद्र ने संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी की टीम के खिलाड़ी दाएं फ्लैंक में एक लंबा थ्रू पास निकालना चाहते थे बलकार के लिए जो कि टीम के कप्तान हैं लेकिन एक बार फिर से पास की गति तेज़ थी सटीक पास नहीं था और उसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिल पाया थ्रो इन ज़रूर मिल गया वहाँ पर एडमास यूनिवर्सिटी की टीम को थ्रो इसके साथ क्या प्रत्याक्रमण करने की कोशिश होगी वहाँ पर लेकिन पूरी तरह से कार्तिक बिष्ट इस समय चिपके हुए हैं देवाजीत के साथ कोई अवसर नहीं दे रहे देवाजीत ने कोशिश ज़रूर की थी लेकिन अंततः गोल रक्षक ने गेंद को क्लियर किया नवीन के पास एक बार फिर से गेंद पहुंची लंबा शॉट एरियल हेड द्वारा गेंद को अपने साथी खिलाड़ी की तरफ देना चाहते थे निमरत पाल सिंह गेंद तक पहुंचने का प्रयास करते ही रह गए लेकिन एक बार फिर से उनके पास अवसर है लेकिन ठीक तरह से गेंद को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाए परिणाम स्वरूप सुरक्षा पंक्ति में से गेंद को क्लियर कर दिया गया और दूर वाले छोर पर देवजीत के लिए गेंद को निकालने की कोशिश हुई थी लेकिन गेंद उनसे पहले ही रेखा को पार कर गई थ्रो का अवसर इस समय संत बाबा सिंह यूनिवर्सिटी टीम के लिए लगभग सैंतीस डिग्री सेल्सियस का तापमान इस समय परछाइयां लगातार बीच मैदान पर बढ़ रही हैं शाम के लगभग पांच बज के उनतीस मिनट का समय इस समय और इस ग्रुप ए के फुटबॉल मुकाबले में फिलहाल एक गोल की बढ़त हासिल है एडवास यूनिवर्सिटी कोलकाता की टीम को संत बाबा भागसिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम के ऊपर एकमात्र गोल जो अब तक इस मैच में हुआ था वो किया था अमन मुंशी ने खेल के पहले हाफ के दौरान एक शानदार हेडर लगा करके अरनेन्दू दत्ता का एक लंबा ऊंचा शॉट इनको अपने कब्जे में आर्यन रहमान की कोशिश दूर वाले चोर पर देवाजीत के पास गेंद पेनल्टी बॉक्स के अंदर लेफ्ट फुटर लेकिन गोल पोस्ट के कुछ इंच ऊपर होता हुआ बाहर निकल गया बढ़िया प्रयास था बढ़िया मूव था और इस तरह के मूव कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि एडमस यूनिवर्सिटी की टीम में खासा दमखम है आज अगर दोनों टीमों के खेल की तुलना की जाए तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अब तक एडमस यूनिवर्सिटी कोलकाता की टीम का पलड़ा भारी है न केवल पलड़ा भारी है बल्कि स्कोरबोर्ड पर भी उन्हें एक गोल की बढ़त हासिल है एक बार फिर से निर्मथ पाल सिंह के पास गेंद पैक पास के रूप में गेंद को निकाला साथी खिलाड़ी महेश के लिए महेश ने गेंद को निकाल दिया दूर वाले छोर पर एक छोटा सा पास वहां पर निर्मल सिंह बिष्ट के लिए निर्मल सिंह बिष्ट ने फिर से गेंद को साथी खिलाड़ी की तरफ एक समानांतर पास के रूप में निकाला अपने साथी खिलाड़ियों की तरफ इस समय पास देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए और जैसे ही बलकार के लिए इनको निकालना चाहते थे एक बार फिर से गलत पास वहाँ पर और ऑफ़ साइड का भी इशारा हुआ और कहना होगा कि लगातार जो ऑफ साइड का ट्रैप है उसमें फंसाने में अब तक कामयाब रही है एडवांस यूनिवर्सिटी कोलकाता की टीम बलकार सिंह को चार या पांच अवसरों पर वो ऑफ साइड अब तक करार दिए जा चुके हैं इस मुकाबले में एडमास के हाफ में इस समय गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हुए वहां पर बेस्ट लंबा पास लेकिन निरुद्देश्य सा कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था एडमस यूनिवर्सिटी का जानते हैं कि समय समय को नष्ट करना है जो बढ़त है उसको बरकरार रखना है एडमस यूनिवर्सिटी की टीम के खिलाड़ियों का जहाँ तक सवाल है बैक पास के रूप में गेंद एक बार फिर से वहाँ पर पहुंची थी जुगल ने एक लंबा शॉट लगाकर पेनल्टी बॉक्स के ऊपर खड़े हुए अपने खिलाड़ी की तरफ गेंद को बढ़ाना चाहता था लेकिन गेंद एक बार फिर से उनके पास पहुंची। बैक पास के रूप में गोल रक्षक नवीन के लिए गेंद को निकाला पेनल्टी बॉक्स के मुहाने पर इस समय नवीन गेंद को निकाल दिया है दूर वाले छोर पर इस समय महेश के लिए मध्य रेखा को अकेले ही पार करने के साथ ही खुशप्रीत के लिए गेंद को निकाला खुशप्रीत ने छोटा सा बैकपास दे दिया अपने साथी खिलाड़ी की तरफ मोहम्मद के पास इस समय गेंद है खतरा हो सकता है क्रॉस करने की कोशिश लेकिन वहाँ पर प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के पांव से लगती हुई गेंद गोल रेखा को पार कर गई और फ्लैग किक इस समय संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम के लिए इन अंतिम क्षणों में क्या ये फ्लैग किक बराबरी का गोल दे पाएगा उनकी टीम को काफ़ी कुछ निर्भर करेगा मोहम्मद पर जो कि इस समय इस फ्लैगिक को लेने के लिए तैयार हैं सात खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स के अंदर हेड द्वारा गेंद को गो, गोल में में दागने कामयाब हो गए इस अवसर पर खूबसूरती के साथ खुशप्रीत सिंह और बराबरी का गोल हासिल कर लिया इंजरी टाइम में और इस समय उनके डग आउट में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है इस समय संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम के खिलाड़ियों में वो देखते ही बनता है जानते हैं कि मध्यांतर के बाद लगातार वो दबाव में रखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इस बार परिवर्तित खुशप्रीत सिंह ने अपनी टीम को निराश नहीं किया और मोहम्मद के उस शानदार फ्लैग किक पर हेडर द्वारा गेंद को गोल में परिवर्तित करने के साथ ही अपनी टीम को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है दोनों ही टीमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस ग्रुप मुकाबले में एक एक गोल की बराबरी पर और इसके साथ ही लंबी सीटें इस बात का इशारा करती हुई कि खेल समाप्त हो चुका है और ग्रुप ए का ये जो मुकाबला रहा संत बाबा सिंह यूनिवर्सिटी पंजाब और एलमांस यूनिवर्सिटी कोलकाता की टीमों के बीच वो अंततः एक एक गोल से बराबर रहा